सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि व्हाई एनर्जी इज नीडेड। ठीक है, व्हाई एनर्जी इज नीडेड, मान लो मैं हूं, मान लो आप हो, हमें एनर्जी क्यों चाहिए, हमें एनर्जी क्यों चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है, फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और आप वीडियो देख रहे हो, साथ साथ में मान लो आप नोट डाउन कर लो, है ना, और आप नीट की तैयारी भी करोगे, और आप भाग भी सकते हो, आप दौड़ भी सकते हो, आप खेल भी सकते हो, आप कूद भी सकते हो, तो किसकी वजह से, किसकी वजह से? क्योंकि आपके पास क्या है, एनर्जी है, आपके पास एनर्जी है, इसीलिए आप सारे काम कर पाते हो, आपकी बॉडी सारे फंक्शन कर पाती है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसीलिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, और हमें एनर्जी चाहिए तो सिंपल सी बात है, प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, है ना, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, फंजाई होती है उनको भी तो एनर्जी चाहिए, प्रोटिस्टा होते हैं उनको भी तो एनर्जी चाहिए, मतलब सब को एनर्जी चाहिए, है ना, जिंदगी के लिए, जीने के लिए सबको एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब यहां बात आती है कि ये एनर्जी आएगी कहां से, ये एनर्जी अब आएगी कहां से, एनर्जी सबको चाहिए ये बात तो क्लियर होगी, अब ये एनर्जी आएगी कहां से? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी, एनर्जी का सिर्फ एक ही सोर्स होता है, वो क्या होता है, देखो हमने ये, मैंने एक प्लांट बनाया, ये प्लांट की लेव है, ठीक है, ये मैंने एक प्लांट बना लिया, ये प्लांट की लेव है, ठीक है, और इधर से क्या आएगी, सनलाइट आएगी, ये अपना सन है, ठीक है, इधर से सनलाइट आएगी और इसकी पत्तियों पे पड़ेगी, इसकी पत्तियों पे पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ क्या है, यही सोर्स है अपना, क्या है, सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट यहां पर आई, इसके पत्तियों पे पड़ी, पत्तियों में क्या है, अपने क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड है, हम फोटोसिंथेसिस में कर चुके हैं, तो यहां पे अब क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, लीव्स में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस से हमने क्या किया, देखो सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस से हमने क्या किया, सनलाइट का यूज करके क्या बना लिया, फूड बना लिया, है ना, प्लांट ने क्या किया, लीव्स के अंदर सनलाइट का यूज करके क्या बना लिया, फूड बना लिया, इस चैप्टर को हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब प्लांट की ग्रीन लीव्स में क्या है, फूड बनके तैयार है। ठीक है, फूड बनके तैयार है, सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, प्लांट की ग्रीन लीव में। ठीक है, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, पूरी दुनिया में लगा के चलो, पूरी दुनिया में जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है सिर्फ और सिर्फ वहां पे फूड बढ़ा है। हाँ, मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि पूरी दुनिया की बात करें तो जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है सिर्फ और सिर्फ वहां पे फूड पड़ा है। अब हर जगह, जहां कहीं भी मेरे पास फूड आएगा, मैं फूड खाऊंगा, आप फूड खाओगे, वो कहां से आएगा, अल्टीमेटली यहीं से आएगा, प्लांट की, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है वहीं से आएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो ये प्लांट है, प्लांट को क्या होगा, या तो एनिमल खा लेगा, है ना, प्लांट को हम जो भी खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, पालक खाते हैं, मटर खाते हैं, गोभी खाते हैं, प्लांट ही तो होते हैं, तो या तो इनको क्या करेगा, एनिमल खा लेगा। अब क्या होगा, एनिमल में ये फूड चला जाएगा, है ना, प्लांट ने ये फूड बना लिया था, अब क्या हुआ, एनिमल में ये फूड चला गया, है ना, एनिमल के पास फूड आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एनिमल क्या करेगा, इस फूड की क्या बना देगा, एनर्जी बना देगा। ठीक है, और क्या हुआ, प्लांट के, देखो प्लांट के ये दूसरे पार्ट है, मान लो ये प्लांट की स्टेम है, ये प्लांट की रूट है, अब रूट थोड़ी फोटोसिंथेसिस करेगी, अब स्टेम भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, ना, फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ क्या करेंगी, लीव्स करेंगी। तो ये जो प्लांट के दूसरे पार्ट हैं, ये ठीक बिल्कुल एनिमल्स के जैसे हैं, ये ठीक बिल्कुल एनिमल्स के जैसे हैं, ये अपना खाना नहीं बना सकते, तो इनके पास भी फूड कहां से आएगा, इन लीव्स से क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट होके आएगा, है ना, इनके पास भी फूड इन लीव्स से ट्रांसपोर्ट होके आएगा। ठीक है, अब एनिमल के पास फूड पहुंच गया, प्लांट के बाकी पार्ट्स के पास फूड पहुंच गया। ठीक है, अब इस प्लांट की एक और पॉसिबिलिटी है, है ना, मान लो 50 साल बाद या 100 साल बाद या 200 साल बाद, ऐसा कभी तो टाइम आएगा जब ये प्लांट क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, इसकी एज हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ये मर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, डेड हो जाएगा। अब डेड जो डिकेइंग बायोमास बन जाएगा, उस पे कौन आएंगे, डीकंपोजर आएंगे, उस पे कौन आएंगे, डीकंपोजर आएंगे। ठीक है, अब जो ये फूड इसने बनाया था प्लांट ने, वो फूड इसमें गया डेड में, और फिर कहां गया, डीकंपोजर में गया,
मतलब कहने की बात यह है कि अल्टीमेट सोर्स क्या है फूड का, ये फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस से हर जगह फूड जा रहा है, फोटोसिंथेसिस से हर जगह फूड जा रहा है, ठीक है। अब मुद्दे की बात क्या है, फूड सबके पास पहुंच चुका है। मान लो मैंने फूड खा लिया, मैंने क्या है चिप्स खा लिए, मैंने कुछ भी खा लिया, बर्गर खा लिया, मैंने फूड खा लिया। अब फूड में क्या छुपी हुई है, एनर्जी छुपी हुई है। फूड में छुपी हुई है क्या, एनर्जी। हमें क्या करना है, उस एनर्जी को बाहर निकालना है, एनर्जी को बाहर निकालना है। एनर्जी को बाहर क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को काम करना है। अभी देखो मैं हाथ से स्केच से लिख रहा हूं तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो ये एनर्जी कहां से आई मेरे पास, फूड से आई। हमें सिंपली क्या करना है, फूड से एनर्जी को निकालना है। अब फूड से एनर्जी निकलेगी कैसे, हम सिंपली क्या कर देंगे, फूड का ब्रेक डाउन कर देंगे। हम सिंपली फूड का क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। और ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, फूड की ऑक्सीडेशन कर, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन स्टार लगा लेना। हम फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकाल लेंगे, और ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, उस फूड की ऑक्सीडेशन करके, इस फूड की ऑक्सीडेशन करके, इसका ब्रेक डाउन करके इसमें से हम क्या करेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें, फूड को हमने ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीडेशन की, एनर्जी निकाली, ये सारी चीजें किसके अंदर हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है एक सेल के अंदर, ये सारी चीजें हो रही है एक सेल के अंदर। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो ये अपना पूरा चैप्टर है, ठीक है। इसको प्लांट रेस्पिरेशन मत याद रखो, इसको सिंपली चैप्टर का नाम ही ऐसे याद रखो, चैप्टर का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर हम फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और ब्रेक डाउन भी कैसे कर रहे हैं, फूड की ऑक्सीडेशन करके। किस लिए कर रहे हैं, ताकि उसमें से हम एनर्जी निकाल पाए और एनर्जी का हम आगे यूज कर पाए, है ना। ये सेल के अंदर हो रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे देखो, जो ये हमने फूड यूज किया, ये क्या हो सकता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ठीक है। ये जो हमने फूड यूज किया, फूड तो पता है ना क्या होता है, फूड तो ये एक कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट में मेनली क्या होगा, ग्लूकोज ही अपने पास यूज होता है, ठीक है, ग्लूकोज ही, है ना। देखो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, और क्या हो सकता है, फैट हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये प्रोटीन हो सकता है, और ये प्रोटीन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, ठीक है। बट यहां पे एक पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है कि जनरली मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ये फूड अपना कौन सा यूज होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, याद रखना कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। मैक्सिमम टाइम जनरली यूजुअली अपना जो फूड होता है कौन सा यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट यूज होता है इस प्रोसेस में, बिल्कुल ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे जो ये फूड है, अब इसको रिलेट करके देखो कि जो ये फूड है, यानी फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये सब एक तरीके से सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये सब एक तरीके से इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रहे हैं, तो इन सब को क्या बोल देंगे, इन सब को क्या बोल देंगे हम, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। इन सब को हम क्या बोल देंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से, अपने फूड हैं, फूड में क्या क्या आया, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड है, और मैक्सिमम टाइम यूजली जनरली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज इसमें याद रखना है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिस्किट खाए, अब बिस्किट में क्या था ग्लूकोज था, जो अपना क्या है, फूड है, या बोलो रेस्पिरेटरी सबस्टेट है, ठीक है। अब मुझे, मेरी सेल क्या करेंगी, इस फूड को, इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेंगी, और उस ब्रेक डाउन से क्या होगा, इसमें से एनर्जी निकलेगी, फिर मेरी बॉडी उस एनर्जी को यूज करेगी, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें ब्रेक डाउन करना है, और ब्रेक डाउन भी कैसे, मैंने बोला था ना, डाउन करेंगे किससे करेंगे, ऑक्सीडेशन करके। इसका हमें करना है ब्रेक डाउन, इसका हमें करना है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब इसको तोड़ना है, और तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, लिसिस बोलते हैं, तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, लिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम तोड़ किसके रहे हैं, ग्लूकोज को बोल रहे हैं ना, हम तोड़ किसको रहे हैं, हम लिसिस किसकी कर रहे हैं, ग्लूकोज की कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। देखो लिसिस मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन किस
किसका कर रहे हैं, ग्लूकोज का, तो इसलिए होगी ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज की जब हम लिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास बन जाएगा इधर पाइरूविक एसिड, हमारे पास इधर बन जाएगा क्या, पाइरूविक एसिड बन जाएगा, पाइरूविक एसिड। देखो ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड होता है और पाइरूविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पाइरूविक एसिड कितने बने होंगे, 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। इतनी बातें क्लियर। देखो हम पहले बेसिक रोड मैप देख लेते हैं, फिर हम एक एक चीज अच्छे से ढंग से कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ढंग से कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, इस पाइरूविक एसिड के पास 2 पॉसिबिलिटीज आती है, इस पाइरूविक एसिड के पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो कंडीशन होंगी एरोबिक, या तो कंडीशन होंगी एरोबिक, या कैसी कंडीशन होंगी अनएरोबिक, या कैसी कंडीशन होगी अनएरोबिक, मतलब एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, या अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी। ठीक है, पाइरूविक एसिड के पास 2 पॉसिबिलिटीज आई, या तो इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी या इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, या इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, पहले ये वाला कर देते हैं, अगर अगर पाइरूविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली यानी अनएरोबिक कंडीशन आई तो क्या हो जाएगी, इसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, इसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी। देखो मैम पहले बेसिक रोड मैप ले रहे हैं, फिर एक एक चीज को ढंग से कर लेंगे। पहले बेसिक रोड मैप की अपने को पूरा फंडा क्लियर हो जाएगी, होता क्या है चैप्टर में। ठीक है, देखो पाइरूविक एसिड को अगर अनएरोबिक कंडीशन मिली यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस मिली तो क्या हो जाएगी, पाइरूविक एसिड की फर्मेंटेशन हो जाएगी, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन में भी क्या है, 2 टाइप के प्रोडक्ट अपने पास बन सकते हैं, या तो क्या बनेगा, या बन जाएगा अल्कोहल, या बन जाएगा लैक्टिक एसिड, या बन जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, अल्कोहल बनेगा तो क्या बोल देंगे, अल्कोहल फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या बोल देंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि अगर ऑक्सीजन मिल गई तो क्या होगा। अगर ऑक्सीजन पाइरूविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गई यानी एरोबिक कंडीशन हुई तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो अपना पाइरूविक एसिड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए में, और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये एसिटाइल को एंजाइम ए यहां पे चक्रियां घुमाएगा, यहां पे चक्रियां घुमाएगा, यहां पे चक्रियां घुमाएगा, और इस चक्री घूमने को हम क्या बोलते हैं, इस चक्री घूमने को हम बोलते हैं क्रैब साइकिल, इस चक्री घूमने को हम क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल। ठीक है, सारा ये सिस्टम क्यों हो रहा है, लिंक रिएक्शन क्यों हो रही है, क्रैब साइकिल, यहां चक्रियां क्यों घूम रही है, क्योंकि अपने को क्या बनाना है, एनर्जी बनानी है, एनर्जी बनानी है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस भी क्यों हुई, अपने को यहां एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और वो कैसे कैसे निकलेगी, इसमें कैसे होता है, इसमें कैसे होता है, इसमें कैसे होता है, आगे जाके देख लेंगे। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो ये जो चीज हुई ना, ये अपने पास ये जो चीज हुई क्या हुई, ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बना, ये कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ये कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में। और एरोबिक कंडीशन जहां भी आपको दिख जाए ना, देखो नॉर्मल जनरल बता रहा हूं, इन जनरल की बात बता रहा हूं, कि एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन के जहां भी लेन देन की बात दिख जाए वो कहां पे होगा, अपना माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब ये लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल ये कहां पे होंगी, अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होंगी। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, ये कहाँ पे हुई, ग्लाइकोलिसिस अपनी साइटोप्लाज्म में, और ये कहाँ पे हुई, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है,
अब देखो मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से इसको छुपा दूँ, ऐसे यहाँ से मैं छुपा दूँ, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि एरोबिक कहाँ है, अन एरोबिक कहाँ है, ठीक है। यहाँ तक एरोबिक और अन एरोबिक बिल्कुल सेम चल रही है, मतलब जो ग्लाइकोलिसिस है वो एरोबिक के लिए और अन एरोबिक कंडीशन के लिए बिल्कुल सेम है। जो डिफरेंस आया वो आगे आया, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल क्लियर करते चलना है। देखो एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस होगी, बिल्कुल होगी। अन एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिंक रिएक्शन एरोबिक में होगी, बिल्कुल होगी। अन एरोबिक में नहीं होगी। क्रैब साइकिल एरोबिक में बिल्कुल होगी, अन एरोबिक में नहीं होगी, ठीक है। फर्मेंटेशन एरोबिक में नहीं होगी, अन एरोबिक में बिल्कुल होगी। अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इतनी बेसिक सी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपकी एक और कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखो हमें ग्लूकोज की क्या करनी थी, ब्रेक डाउन करनी थी, हमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करनी थी। वो भी कैसे करनी थी, ऑक्सीडेशन करके। वो भी कैसे, ऑक्सीडेशन करके, मतलब हम ये क्या कर रहे हैं, ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लूकोज से जो पाइरुविक एसिड बना, ग्लूकोज से जो पाइरुविक एसिड बना, ये क्या है, ये एक तरीके से पार्शियल ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन तो है बट कैसी है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। बट यहां पे क्या है, हमारे पास एरोबिक कंडीशन आ गई, मतलब हमारे पास भरपूर ऑक्सीजन आ चुकी है, भरपूर ऑक्सीजन आ गई। तो ये हमने क्या कर दी, ये लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल, ये क्या कर दी हमने, क्या कर दी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये हमने कर दी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एन एरोबिक में क्या है, अपने पास ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो यहां पे क्या है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन अन एरोबिक में नहीं हो पाई, ठीक है। देखो बिल्कुल क्लियर करते चलना है, चाहे एरोबिक हो चाहे अन एरोबिक हो, उसमें क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन दोनों में होगी। मतलब पाइरुविक एसिड बना, मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन जो है वो दोनों में हो चुके हैं। बट अगर क्वेश्चन आए कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशन में होगी, क्योंकि इसमें चाहिए क्या, बहुत सारी ऑक्सीजन, जो कहां पे मिलेगी, एरोबिक कंडीशन, ठीक है। जो क्या होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, अपना क्या आ जाता है, लिंक रिएक्शन आ जाती है, क्रैब साइकिल। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल ऑक्सीडेशन में अपना क्या आया, ग्लाइकोलिसिस आई, जो एरोबिक में भी है और एन एरोबिक में है, और कहां पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। देखो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल क्लियर कर देता हूं एक एक बात। देखो ये मान लो एक सेल है, और सेल के अंदर क्या होते हैं अपने सेल ऑर्गेनली, मान लो ये राइबोसोम है, ये लाइसोसोम है, ये गोल्जी बॉडी है, जो भी है ना, अपने काम का क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, सेल के अंदर ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो ये ग्लाइकोलिसिस हो रही है वो कहां पे हो रही है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और जो ये लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल हो रही है वो कहां हो रही है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, यहां पे मैट्रिक्स पे। बिल्कुल एक-एक बात क्लियर है, ठीक है। और अब बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं आई थिंक, है ना। अब हमें आगे चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अपनी सारी प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुई थी, ग्लाइकोलिसिस हुई थी, जो एरोबिक में भी होगी और अन एरोबिक में भी होगी ना, दोनों के लिए कॉमन है। और कहाँ पे होगी इसकी लोकेशन, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आती है, या तो एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस, या अन एरोबिक कंडीशन ऑक्सीजन की अब्सेंस, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगी। लिंक रिएक्शन के बाद क्या होगी, अपनी क्रैब साइकिल होगी, ठीक है। ये सब किस लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ एनर्जी बनाने के लिए, यहां से एनर्जियां निकलेंगी, एनर्जी निकलेंगी, बिल्कुल क्लियर है। और अन एरोबिक कंडीशन में क्या होगी, फर्मेंटेशन होगी। अब फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट है वो एल्कोहल बना, तो क्या होगी, एल्कोहल फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड बना, तो क्या होगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। और एक मैंने बात बताई थी कि ग्लाइकोलिसिस तक क्या होता है, देखो ग्लूकोज की हमने की ग्लाइकोलिसिस, और क्या बना था, पाइरुविक एसिड, वो क्या था अपना, पार्शियल ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या था, लिंक रिएक्शन प्लस क्रैब साइकिल में जो होगा वो होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये तो हमने अभी तक जो किया वो रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। देखो इनको मैं नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि ग्लाइकोलिसिस में पूरी में क्या होता है, लिंक रिएक्शन में क्या होता है, क्रैब साइकिल में क्या होता है, दूसरे पार्ट में हम कवर कर
करेंगे, है ना। और मैं इसीलिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ, इसको पार्ट दो पार्ट में इसीलिए डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ये मुश्किल चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से समझ आए, दिमाग पे लोड ना पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनर्जी की। देखो हमारे पास एनर्जी यहाँ पे तीन टाइप से बनेगी, तीन टाइप से अपने को एनर्जी दिखाई देगी, या तो डायरेक्ट एटीपी की फॉर्म में, या कौन सी फॉर्म में, एनएडीएच प्लस एच प्लस, मतलब कुल मिला के याद रखो एनएडीएच, ये आपको देखना चाहिए, एनएडीएच वाली फॉर्म में या एफएडीएच2 वाली फॉर्म में, ठीक है। तीन टाइप से हमको एनर्जी दिखेगी, या तो डायरेक्ट एटीपी की फॉर्म में दिखेगी, या एनएडीएच वाली फॉर्म में दिखेगी, और या एफएडीएच2 वाली फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। अब एटीपी डायरेक्ट है तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, एक एटीपी का मतलब क्या है, एक एटीपी, ठीक है। और एनएडीएच, ये एनएडीएच प्लस एच प्लस, ये वाली एनर्जी का मतलब होता है कि एनएडीएच वाले में से कितने एटीपी निकलेंगे, तीन एटीपी निकलेंगे, ठीक है। एक एक एनएडीएच वाले मॉलिक्यूल से कितने निकलेंगे, तीन एटीपी निकल सकते हैं, ठीक है। और एक एफएडीएच वालों से कितने, दो एटीपी निकल सकते हैं, बिल्कुल याद रखना, एनएडीएच वाले से तीन एटीपी और एफएडीएच2 वाले से दो एटीपी हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, देखो जो डायरेक्ट एटीपी होता है ना, डायरेक्ट एटीपी वो एक तरीके से कैसा है, कैश की तरह, है ना, कि हमारे पास कैश पैसा पड़ा है ना, मान लो 50,000 रुपए हमारे पास कैश पड़े, तो ये कैश की तरह हम कभी भी यूज कर सकते हैं। बट जो ये है ना एनएडीएच और ये एफएडीएच2, ये क्या है, एक तरह से बैंक का वो चेक होता है ना, बैंक का चेक होता है, ये चेक की तरह है कि हमें बैंक में इसे हमें निकलवाने जाना पड़ेगा, है ना। हम इसको कैश को डायरेक्ट यूज करते हैं, बट ये क्या है, एक चेक की फॉर्म में पड़े हैं, मतलब ये एटीपी इनमें छुपे पड़े हुए हैं, हमें कहां जाना पड़ेगा, हमें बैंक में जाना पड़ेगा, हमें इन पैसों को निकलवाने के लिए एनएडीएच एफएडीएच2 को इनको यूज करने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा। और ये बैंक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं कि बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, है ना, मैं एक फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एनएडीएच एफएडीएच2 ये सब क्या है, व्यर्थ है, बकवास है, खराब है, इनका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एटीपी जो बने हैं हम सिर्फ वो यूज कर सकते हैं, है ना। क्यों, ये एनएडीएच वाली एनर्जी, एफएडीएच2 वाली एनर्जी बिल्कुल किसी काम की नहीं है, क्योंकि इनका यूज कहां होगा, इसी की वजह से होगा ना, हम जाके चेक को बैंक में निकलवाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। इतनी बात एक बिल्कुल क्लियर है, ठीक। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं एक एक प्रोसेस की एनर्जी, ठीक है, किसमें कितनी एनर्जी बनी, ठीक है। अब यहां पे अपने पास दो कंफ्यूजन आएंगी, हमारे पास दो कंफ्यूजन आएगी। देखो हमें पता है फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, एटीपी का बनना या एनर्जी का बनना बोल दो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, एनर्जी का बनना, ठीक है। अब यहां हमारे पास दो टाइप की फॉस्फोराइलेशन आएगी, एक तो आएगी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और दूसरी कौन सी आएगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एक आई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और एक आई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में देखो कितने एटीपी बने, कितने यूज हुए, देखो माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यूज हुए, और प्लस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कितने बने, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या है, दो एटीपी का यूज हुआ और चार एटीपी की फॉर्मेशन हुई और दो एनएडीएच वाले की फॉर्मेशन हुई, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबस्ट्रेट लेवल पे ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने। तो सबस्ट्रेट लेवल का सीधा सीधा मतलब क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें यूज होना था, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी एरोबिक कंडीशन में यूज होना था ना, एरोबिक कंडीशन में। तो ऐसे सबस्ट्रेट लेवल वो आपसे पूछ रहा है, मतलब हमें ईटीएस का यूज नहीं करना, और ऑक्सीडेटिव पूछ रहा है मतलब वो हमें एरोबिक में भेजना चाह रहा है, एरोबिक में हमें आगे वो भेजना चाह रहा है ईटीएस तक। यहां देखो क्रेब्स साइकिल के बाद यहां क्या आएगी, ईटीएस आएगी, है ना। ऑक्सीडेटिव का मतलब है वो हमें इस रास्ते के थ्रू ईटीएस तक पहुंचाना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल का जब पूछे तो ईटीएस का यूज नहीं करेंगे, और ऑक्सीडेटिव का पूछे तो ईटीएस का यूज क्या है, हम करेंगे। तो सबस्ट्रेट लेवल का देखो
इसमें अगर सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पूछ ली जाए तो सब्सट्रेट लेवल पे हमारे ईटीएस का यूज नहीं होगा, मतलब जो एनएडीएच वाली एनर्जी है वो अपने लिए बिल्कुल खराब है, किसी काम की नहीं है। तो दो यूज हुए और चार बने तो नेट कितने बन जाएंगे, 2 ATP बन जाएंगे। नेट कितने बन जाएंगे सब्सट्रेट लेवल पे, 2 ATP बन जाएंगे। और ऑक्सीडेटिव पूछ ले, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या ऐसे पूछ ले एरोबिक कंडीशन में पूछ ले, तो क्या होगा, देखो दो यहां पे यूज हुए, चार यहां पे बने, और दो एनएडीएच में कितने हो जाएंगे, एक एनएडीएच में होते हैं 3, तो दो में हो जाएंगे 6, तो 6 + 4 = 10, और दो यूज हो गए, नेट कितने बने, 8 ATP बने। नेट कितने बने, 8 ATP बन चुके हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे एक मजेदार बात है, मजेदार बात क्या है कि ये जो बन रहे हैं ये एरोबिक में भी बन रहे हैं और अनएरोबिक में भी बन रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मजेदार बात है, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी होती है, अनएरोबिक में भी होती है। कि ग्लाइकोलिसिस जो है हमने बात की थी कि एरोबिक में भी होती है और अनएरोबिक में भी होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी होती है और एरोबिक में भी होते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एरोबिक में मैक्सिमम कितने एटीपी हम बना सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने, 8 ATP बना सकते हैं, ठीक है। और अनएरोबिक में, अब याद करो ये है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव मतलब हमें यहां भेजना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अनएरोबिक कंडीशन में कोई भी काम नहीं है, तो अनएरोबिक का क्वेश्चन पूछे तो अपने पास कितने बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन में क्या बोलते हैं, 2 NADH + H+, है ना, 2 NADH वाले बनते हैं, सिंपल सी बात है। और एक NADH में कितनी एनर्जी होती है, 3 ATP, तो दो में कितनी हो जाएगी, ये अपने पास 6 ATP के इक्वल हो जाएगा, ये 6 ATP के इक्वल। फिर से वही क्वेश्चन, अगर सबस्ट्रेट लेवल पे पूछे, सबस्ट्रेट लेवल पे मतलब सिर्फ और सिर्फ ATP बताने, तो सबस्ट्रेट लेवल पे यहां पे डायरेक्ट ATP एक भी नहीं बन रहा, सबस्ट्रेट लेवल पे हो जाएगा 0। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पूछे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 6 ATP हो जाएंगे, 6 ATP। नेक्स्ट है क्रेब साइकिल, देखो क्रेब साइकिल में हमें 2 साइकिल घुमानी पड़ती हैं, क्यों घुमानी पड़ती हैं वो आगे जाके देखेंगे, हम यहां पे 2 साइकिल की बात कर रहे हैं, 2 बार हमें घुमानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बनता है, +2 यानी 2 ATP की फॉर्मेशन, 2 डायरेक्ट ATP बने, 2 FADH2 बने और 6 NADH वाली एनर्जी बनी, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब फिर से अपने से वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबस्ट्रेट लेवल पे क्रेब साइकिल की 2 साइकल हम घुमाते हैं, 2 साइकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल पे क्रेब साइकिल में कितने एटीपी बने, तो अपना आंसर क्या होगा, 2 ATP बने सबस्ट्रेट लेवल पे, ये सबस्ट्रेट लेवल पे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछे एरोबिक कंडीशन में, या बोले कि ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव मतलब सिंपल सी बात है ना, ऑक्सीजन मतलब एरोबिक कंडीशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कितने बने, देखो 2 तो ये डायरेक्ट हो गए और FADH2, एक FADH2 कितने देता है, 2 देता है, तो 2 कितने देंगे, 4 देंगे। और 6 NADH वाले हैं, एक NADH वाला कितने देता है, 3 देता है, तो 6 कितने देंगे, 6 कितने देंगे, 18 देंगे। तो ये टोटल अपने पास कितने आ जाएंगे, 18 + 4 + 2 कितने हो गए, ये अपने पास 24 हो गए, 24, ठीक है। अब काउंट करके देखो, अगर एरोबिक की बात करें तो 24 अपने पास ये हो गए, 6 ये हो गए, मतलब 30 और 30, और यहां कितने हो जाएंगे, टोटल 8 ये हो जाएंगे। तो एरोबिक में टोटल कितने बनते हैं अपने पास, 38 ATP है ना, ETS का यूज करके अपने पास टोटल कितने बने, 38 ATP अपने पास गेन हो सकते हैं, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब वो 36 वाला होता है ना, जो 36 और 38 वो शटल सिस्टम में होता है, कि शटल सिस्टम है वो 2 उसके खा जाता है, ठीक है। पर यहां पे उसमें कंफ्यूज आप मत हो, ठीक है। और इधर अगर ये एरोबिक का तो अपना क्लियर है, और इधर एनएरोबिक में बात करें, मतलब फर्मेंटेशन में बात करें, तो चाहे अल्कोहल फर्मेंटेशन हो, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, इसमें क्या होता है, 2 NADH का यूज होता है, 2 NADH + H+, इसका 2 NADH का यहां पे यूज होता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर टोटल अब अनएरोबिक की बात करें, टोटल अनएरोबिक की बात करें, तो 2 NADH यहां यूज हो गए, 2 यहां पे बने थे, है ना। ग्लाइकोलिसिस में बेचारे ने 2 बनाए थे,
गए और यहाँ पे बेचारे के यूज हो गए, मतलब ये कैंसिल हो गए, इसका इससे कैंसिल हो गए, जो यहाँ बनाए वो यहाँ पे यूज हो चुके हैं। तो नेट गेन, नेट गेन कितना, नेट गेन अनएरोबिक के पास कितना बना, देखो ये चार बने थे, चार में से दो यूज हो गए, तो नेट गेन अनएरोबिक के पास बना सिर्फ और सिर्फ दो एटीपी का। अनएरोबिक के पास नेट गेन है सिर्फ और सिर्फ दो एटीपी का, और इसके पास एरोबिक के पास कितना है। तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें ग्लूकोज की यानी फूड की क्या करनी है, ब्रेकडाउन करनी है, और ब्रेकडाउन भी कैसे करेंगे हम, ऑक्सीडेशन करके करने, ठीक है। हमें ग्लूकोज की क्या करनी है, ब्रेकडाउन करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि हम इस ग्लूकोज से एनर्जी निकालना चाहते हैं, और वो एनर्जी हम किस में यूज़ करना चाहते हैं, हम पढ़ने में, भागने में, दौड़ने में, कूदने में, खेलने में, हम वो एनर्जी अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सिंपली क्या करनी है, ग्लूकोज की क्या करनी है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करनी है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी कैसे करनी है, ब्रेकडाउन भी कैसे करनी है, ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीडेशन करके, ठीक है। तो ग्लूकोज को हमने क्या किया, तोड़ दिया, ग्लूकोज को हमने तोड़ दिया। ये मैं पिछली वीडियो का रिवाइज ही कर रहे हैं कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना मतलब लिसिस है ना, लिसिस मतलब तोड़ना, और तोड़ा किसको हमने, ग्लूकोज को तोड़ा, तो इसको इसलिए नाम दे दिया था, क्या नाम दे दिया था, ग्लाइकोलिसिस नाम दे दिया था, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी तो यहां क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां बन जाएगा क्या, पाइरुविक एसिड बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया पाइरुविक एसिड बन गया, ठीक है, पाइरुविक एसिड, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पे एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का लिया था तो यहां पे दो मॉलिक्यूल बनेंगे पाइरुविक एसिड के, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, सिक्स कार्बन होते हैं, और एक पाइरुविक एसिड के अंदर कितने, तीन कार्बन होते हैं, तो सिक्स कार्बन से कितने बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अब हमने बात की थी कि पाइरुविक एसिड के पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, कैसी कैसी, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, या ये कैसी कंडीशन, एरोबिक कंडीशन, या ऑक्सीजन होगी अब्सेंट, यानी कैसी कंडीशन, अनएरोबिक कंडीशन, ठीक है। पाइरुविक एसिड के पास दो पॉसिबिलिटी आई, या तो एरोबिक कंडीशन या अनएरोबिक कंडीशन, ठीक है। अब देखो एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद, एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद कौन सी रिएक्शन होगी, लिंक रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, लिंक रिएक्शन होगी, और लिंक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो ये अपना पाइरुविक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए में, एसिटाइल को एंजाइम ए में, ठीक है। फिर क्या होगा, लिंक रिएक्शन के बाद क्या होगा, लिंक रिएक्शन के बाद क्या होगा, क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन के बाद क्या होगा, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल में ऐसे चक्रियां सी घूमती हैं, चक्रियां सी घूमती है, चक्रियां सी घूमती है, ठीक है। अब ये सारा काम हम कम क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एनर्जी निकालने के लिए, ग्लाइकोलिसिस में से एनर्जी निकलेगी, लिंक रिएक्शन में से एनर्जी निकलेगी, और क्रैब साइकिल में से भी एनर्जी निकलेगी, सारा काम किस लिए कर रहे हैं, एनर्जी को निकालने के लिए, ठीक है। और अनएरोबिक में हमने बात की थी कि पाइरुविक एसिड में क्या हो जाएगी, अनएरोबिक कंडीशन में क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी फर्मेंटेशन, इसमें हो जाएगी फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन की दो टाइप की, फर्मेंटेशन भी दो टाइप की हो सकती है, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगी, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं पार्ट टू में, पार्ट टू अब से शुरू है, ये तो हमने सिर्फ रिवाइज किया है ना। पार्ट टू में हम क्या करने वाले हैं कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या स्टेप होते हैं, उनको याद कैसे करें, लिंक रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है, क्रैब साइकिल के अंदर क्या क्या होता है, फर्मेंटेशन के अंदर क्या क्या होता है ना, ये पूरा डिटेल में करेंगे, एक एक चीज याद करवाऊंगा, एक एक स्टेप, हाँ सिंपल सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, कहां पे एनर्जी रिलीज है, कहां पे नहीं है, कहां पे क्या है, कहां पे एटीपी है, कहां पे एनएडीएच प्लस है, सारा बिल्कुल ही क्लियर करेंगे, ठीक है। चलते हैं अब पहले ग्लाइकोलिसिस की तरफ, ग्लाइकोलिसिस की तरफ, ठीक है। फिर करेंगे लिंक रिएक्शन, और फिर करेंगे क्रैब साइकिल, और लास्ट में करेंगे अपनी फर्मेंटेशन, ठीक है। चलते हैं कहां पे, ग्लाइकोलिसिस की तरफ। अब देखो ये है अपनी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो पहली बात तो यही आ जाती है कि इसको याद कैसे करें, इसके जो स्टेप्स हैं इनको कैसे याद करें, तो इसकी सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो भगवान ने ग्रैंड पेरेंट्स को, देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, आपके दादा दादी हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो भगवान ने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या दिए थे, फ्रूट्स दिए थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है। भगवान ने, गॉड ने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या दिए थे, फ्रूट्स दिए थे। बट आपके पेरेंट्स जो हैं
है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जो ग्रैंड पेरेंट है वो फ्रूट्स खाएं। वो क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो पेप्सी पिए, वो पेप्सी पिए। इसलिए वो उनको प्रेशरली उनके सामने क्या है, पेप्सी रख देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भगवान ने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या दिए, फ्रूट दिए। बट जो पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रूट्स खाएं। वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स क्या पिए, पेप्सी पिए। इसीलिए वे उनके सामने क्या है, जबरदस्ती प्रेशरली उनके सामने पेप्सी रख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सिंपल सी। देखो, गॉड गिव्स फ्रूट्स फॉर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, गॉड गिव्स फ्रूट्स फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। भगवान ने क्या दिया, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए फ्रूट दिए। गॉड गिव्स फ्रूट्स फॉर ग्रैंड पेरेंट्स। बट पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली, है ना। पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली, मतलब पेरेंट्स ने क्या किया, पेप्सी को उनके सामने प्रेशरली लिख दिया। मैं फिर से एक बार पूरा रिपीट करता हूँ। गॉड गिव्स फ्रूट्स फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बट पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली। ठीक है, अब देखो, गॉड से क्या आया अपने पास, जी फॉर गॉड, जी से ग्लूकोज आया। नेक्स्ट गिव से आया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। नेक्स्ट फ्रूट से हमारे पास आया फ्रक्टोस 6-फॉस्फेट। नेक्स्ट एफ फॉर फोर, फिर से नेक्स्ट आया फ्रक्टोस 1,6-बिसफॉस्फेट। नेक्स्ट ग्रैंड पेरेंट्स, देखो जीपी, ग्रैंड पेरेंट्स जीपी से आया ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। नेक्स्ट बी फॉर बट से आया क्या, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट पी से आया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट आया पी से 2-फॉस्फोग्लिसरिड। ठीक है, ये था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये है 2-फॉस्फोग्लिसरिड। नेक्स्ट पेप्सी, पीईपी, पेप्सी में क्या आ रहा है, पीईपी यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, लास्ट प्रेशरली से आया अपने पास पाइरुविक एसिड। ठीक है, थोड़ा ये याद करना ही पड़ेगा, और मेरे को तो यही सिंपल सी ट्रिक मिली, है ना, जो मेरे से बनी, ये सिंपलेस्ट ट्रिक मेरे से बनी, तो मैंने बना दी, है ना। बाकी आपको डायरेक्ट आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसकी थोड़ी हेल्प ले सकते हो तो वो भी ठीक बात है। ठीक है, अब यहां पे एक ध्यान देने लायक बात है कि जो भी इसमें ये बन रहे हैं, यहां तक सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल बन रहा है, कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का था, एक इसका था, एक इसका था, एक इसका था, एक इसका था। बट यहां से क्या हुआ, सबके क्या बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या हुआ, सबके दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब ये बात बहुत जरूरी है, ये अपनी गलती करा सकती है। ठीक है, गलती कहां करा सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कहां पे एनर्जी का लेना देना है। ठीक है, अब बात क्या आती है कि कहां कौन से स्टेप में एनर्जी का लेना देना है। ठीक है, तो एनर्जी का लेना देना किस फॉर्म में होगा, देखो, या तो एटीपी होगा, एटीपी वाली एनर्जी होगी, या कौन सी होगी अपने पास, ये वाली होगी, एनएडीएच एच प्लस, या एटीपी वाली होगी या एनएडीएच एच प्लस वाली एनर्जी होगी। ठीक है, देखो, एटीपी तो अपनी नॉर्मल वाली एनर्जी है, ये थोड़ी स्पेशल वाली है क्योंकि इसमें एनर्जी छुपी रहती है ना। तो पहले स्पेशल वाली को निपटाते हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल सा मैं मेथड बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा। देखो, यहां पे एरो काउंट कर लो, कितने एरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एरो हैं। ठीक है, 9 एरो। अब 9 एरो में से सबसे मिडल वाले एरो को पकड़ो, बिल्कुल सबसे मिडल वाले एरो को पकड़ो। देखो, ये हो जाएगा अपना मिडल वाला एरो, है ना, 4 इससे ऊपर है और 4 इससे नीचे। तो जो सबसे मिडल वाला एरो है वो सबसे स्पेशल है। वो सबसे स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी NADHH+, ये वाली एनर्जी की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ये सबसे स्पेशल एरो है। अब देखो, यहां पे कॉमन सेंस की बात याद रखनी है कि देखो, यहां से इधर जा रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल इधर बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एनर्जी भी कितनी निकलेगी, दो मॉलिक्यूल निकलेंगे इसके, NADHH+ के। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो, ये अपना मिडल वाला एरो था, है ना, इसको एक छोड़ के नेक्स्ट एरो पे जाओ, तो यहां पे क्या है, एटीपी का लेन देन है, एटीपी का लेना देना है, और लेना देना भी कैसा है, -ATP। माइनस मतलब यहां पे ATP अपना यूज हो रहा है। ठीक है, यहां पे क्या है, ये फॉर्म हो रहा है, ये प्लस है, ये मतलब फॉर्मेशन हो रही है, माइनस मतलब यहां पे ATP अपना यूज हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, बीच वाला एरो पकड़ा, उसे एक छोड़ के नेक्स्ट पे गए, यहां पे एक ATP का यूज है, है ना। अब क्या किया, एक छोड़ के नेक्स्ट पे गए। ठीक है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, और यहां भी क्या है, ATP का लेना देना है, और लेना देना भी कैसा है, माइनस मतलब यहां भी ATP यूज हो रहा है। तो यहां पे एक ATP यूज हुआ, देखो एक ऐसे याद आ जाएगा, सब एक एक बन रहा है, एक एक बन रहा है, तो यहां पे क्या हुआ, एक ATP का यूज, यहां भी एक
एक एटीपी का यूज हुआ। ठीक है, अब तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फिर से वही करना है कि एक छोड़ के एक पे आ जाओ, एक छोड़ के एक पे आ जाओ। ठीक है, एक छोड़ के एक पे यहां पे थोड़ा स्टार लगा लो, यहां पे थोड़ा स्टार लगा लो, एक छोड़ के एक पे स्टार लगा लो और एक छोड़ के फिर एक पे आ जाओ। यहां पे क्या है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। प्लस का निशान लगा देता हूं, देखो यहां पे यूज हो रहे हैं एटीपी, यहां पे फॉर्मेशन हो रही है, प्लस का निशान लगाया। और कितने एटीपी बनेंगे तो देख लो, सिंपल सी बात है, यहां दो दो बन रहे हैं तो यहां भी दो बनेंगे। देखो यहां पे एक एक थे तो यहां पे एक यूज होगा, एक यूज होगा, यहां पे दो है तो यहां पे दो एटीपी बनेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमने स्टार लगाया था यहां पे, तो टेक्निकली एक छोड़ के एक वाले रूल में यहां पे आना चाहिए था, पर यहां पे थोड़ा सा आपको इंप्रोवाइज करना है, आपको यहां पे बनाना है, आपको यहां पे एटीपी बनाने हैं, यहां पे इस स्टेप में एक गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, और यहां भी कितने बनेंगे, देखो दो हैं, दो हैं तो दो ही बनेंगे, दो ही बनेंगे। ठीक है, अब काउंट कर लो टोटल कितने एटीपी बने, 2+2 4 एटीपी हमारे क्या हुए, फॉर्म हुए, बने। ठीक है, और यूज कितने हुए, एक दो, दो एटीपी अपने यूज हुए। ठीक है, दो एटीपी अपने यूज हुए, -2 एटीपी, और बने कितने, +4 एटीपी बने, और NADH H+ ये कितने बने, ये अपने दो बने, है ना, NADH वाले कितने बने, दो बने। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, और ये सबस्ट्रेट लेवल क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये हम पार्ट वन में कर चुके हैं ना, कि कौन सा कहां पे कितने कितने होंगे, ये बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। एरोबिक में कैसे होंगे, एनएरोबिक में कैसे, आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आपको मजा नहीं आएगा इसमें, आप पहले पार्ट वन देख के आओ। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, एंजाइम्स की, एंजाइम्स की। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंजाइम्स को कैसे याद करें। अब देखो, अब बात करते हैं कि इनके एंजाइम्स को कैसे याद रखना है। देखो एनसीईआरटी में जितने भी एंजाइम दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपको एक एक एंजाइम याद होना चाहिए, और याद करना भी नहीं है, ऑटोमेटिक ही सारे बन जाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना है, ऑटोमेटिक बन जाएंगे, और मैं बताऊंगा कैसे बन जाएंगे। ठीक है, देखो एंजाइम की ये सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखो जिस भी स्टेप में एटीपी का या फॉस्फेट का लेन देन हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस भी स्टेप में एटीपी का या फॉस्फेट का लेन देन हो, वहां वहां जो एंजाइम यूज होगा उसके नाम में क्या आएगा, उसके नाम में काइनेज आएगा, उसके नाम में काइनेज आएगा। और दूसरा मैं बोलने जा रहा हूं, ये जनरल रूल बना लो, आपको पूरे में काम आएगा। ठीक है, और क्या है, जिस भी स्टेप में NADH H+ ये यूज हो, इसका लेन देन हो, वहां पे जो एंजाइम आएगा उसके नाम में डीहाइड्रोजिनेज यूज होगा। इतनी बातें क्लियर है, अब देखते हैं। देखो अब देखो, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट नहीं था और इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या हुआ, फॉस्फेट आ गया। तो मैंने क्या बोला, जब भी फॉस्फेट का लेन देन हो या एटीपी का लेन देन हो, एटीपी का भी लेन देन हो रहा है ना, एटीपी का भी हो रहा है ना, उसके एंजाइम में क्या आएगा, काइनेज आएगा, उसके एंजाइम के नाम में क्या आएगा, काइनेज आएगा, है ना। देखो सिंपल सी बात है, काइनेज तो अपना फिक्स हो चुका है ना, और फॉस्फेट कौन सी पोजीशन पे लगा, 6th पोजीशन पे, 6th मतलब हेक्सो, है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। कुछ भी याद नहीं किया, कुछ भी याद नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो ये बिल्कुल सेम है, 6 फॉस्फेट बिल्कुल सेम है, तो चेंज क्या हुआ, ग्लूकोज से क्या बन गया, फ्रक्टोज बन गया। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या है, आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, आइसोमरेज। बिल्कुल सिंपल है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, आइसोमर्स हैं, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, आइसोमरेज, है ना। अब काइनेज कहीं पे आएगा, एटीपी का या फॉस्फेट का कोई तो लेना देना नहीं है ना, यहां पे भी एक फॉस्फोरस, यहां भी एक फॉस्फोरस, तो फॉस्फेट का कोई लेना देना नहीं है, एटीपी भी यहां नजर नहीं आ रहा, तो ना तो काइनेज आएगा, ना NADH H+ नजर आ रहा, ना डीहाइड्रोजिनेज आएगा, सिंपल क्या है, आइसोमरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate। अब सिंपली अपने रूल से चलते हैं ना, एटीपी या फॉस्फेट या इसका लेन देन चेक करते हैं। देखो 6 फॉस्फेट, इसमें था सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप, और इसमें क्या आ गया, 1,6-bisphosphate, मतलब इसके अंदर कितने हैं, दो फॉस्फेट है, दो फॉस्फेट, मतलब क्या हुआ है, फॉस्फेट का लेन देन इस स्टेप में हुआ है ना। और देख लो एटीपी भी अपने को नजर आ रहा है, मतलब फॉस्फेट का लेन देन हुआ है, और फॉस्फेट का लेन देन हो तो एंजाइम के नाम में काइनेज तो पक्का आएगा, है ना, काइनेज तो पक्का आएगा। ठीक है,
तो एंजाइम का नाम देखते हैं। देखो फोस्फो मतलब फोस्फेट का लेन देन हुआ है, और किसमें हुआ है, फ्रक्टो मतलब फ्रक्टोस के अंदर हो रहा है, और काइनेज तो हम कर चुके हैं कि फोस्फेट का लेन देन है, तो काइनेज तो आई गई, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखो फ्रक्टोस 1,6 बिस फोस्फेट से बना ग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट, है ना, 3 फोस्फेट। अब सिंपल सा इसको ऐसे याद रखना, देखो ग्लिसरल डिहाइड मतलब क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, ग्लिसरल डिहाइड बन रहा है मतलब क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा एल्डोलेज, एल्डिहाइड बन रहा है तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एल्डोलेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखो सिंपल सा है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट से बना 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, और इस स्टेप में क्या है, NADH+ का यूज हो रहा है, इस स्टेप में क्या है, NADH+ का यूज हो रहा है, मतलब क्या है, एंजाइम के नाम में क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेज पक्का आएगा, है ना, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, G3P, यानी क्या है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये पूरा इंडिकेट हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बना, है ना। अपना बेसिक रूल चेक कर लो कि ATP या फोस्फेट का लेन देन तो नहीं है, इसका लेन देन तो नहीं है, तो सिंपल नजर आ रहा है क्या है, ATP का लेना देना है, है ना, सिंपल सी बात है। 1,3 बिस मतलब इसमें 2 फोस्फेट थे, और इसमें 3 फोस्फो मतलब इसमें सिर्फ 1 फोस्फेट रह चुका है, 1 फोस्फेट रह चुका है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब क्या है, एंजाइम के नाम में काइनेज तो पक्का आएगा, काइनेज तो पक्का आएगा, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, सिंपल सी बात है। देखो ये क्या है, ये अपना क्या था, फोस्फोग्लिसरेट, ये अपना क्या है, फोस्फोग्लिसरेट, इससे भी रिलेट हो जाएगा फोस्फोग्लिसरेट में, है ना, तो क्या हो जाएगा, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, फोस्फोग्लिसरेट क्या है ना, बिल्कुल सिंपल, नाम से ही कवर हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है, 2 फोस्फोग्लिसरेट बन रहा है, सिंपल सी बात है। यहां पे जो फोस्फेट था वो थर्ड पोजीशन पे था, और यहां पे क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया, है ना, एक तरीके से नहीं बोले कि उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसकी पोजीशन चेंज हो रही, तो इसको रिलेट करके देखो, होता है ना कि पॉइंट म्यूटेशन की तरह नहीं लग रहा है, म्यूटेशन हो गया इसमें, कि थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ था अब सेकंड पे लग गया, एक तरह की म्यूटेशन होगी उसमें, है ना, म्यूटेशन मतलब यहां पे एंजाइम याद आ जाएगा कौन सा था, म्यूटेज था, एंजाइम कौन सा, म्यूटेज, है ना, एक तरीके से पोजीशन चेंज होगी उसका, म्यूटेशन होगी उसमें, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है फोस्फो, ये 2 फोस्फोग्लिसरेट से क्या बन रहा है, फोस्फोइनोल पाइरूवेट, देखो इसमें क्या बन रहा है, इनोल बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, इसमें इनोल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनोलेज, है ना, इनोल बन रहा है तो इनोलेज, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है फोस्फोइनोल पाइरूवेट से क्या बन रहा है, पाइरूविक एसिड बन रहा है, तो देखो यहां पे है एटीपी का लेना देना, एटीपी का लेना देना मतलब एंजाइम के नाम में काइनेज तो पक्का आएगा, और बन क्या रहा है, फॉर्मेशन किसकी हो रही है, पाइरूविक एसिड की, तो नाम क्या हो जाएगा, पाइरूवेट काइनेज, है ना, पाइरूविक एसिड बना पाइरूवेट, और यहां पे एटीपी की वजह से क्या आ गया, अपना काइनेज आ गया, इतनी सिंपल सी बातें हैं। अब देखो ग्लाइकोलिसिस में आपको एक छोटी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। देखो हमने ये ग्रैंड पेरेंट्स जो अपनी ट्रिक्स में जो ग्रैंड पेरेंट्स था, यानी ग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट ग्रैंड पेरेंट्स था, उसके साइड में एक और चीज़ बन सकती है, क्या, DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट भी बन सकता है। इसको कैसे याद करें, देखो हम ग्रैंड पेरेंट्स के आगे क्या लगाते हैं, डियर ग्रैंड पेरेंट, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के आगे लगा देना है क्या, डियर ग्रैंड पेरेंट, डियर मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, उसके साइड में क्या था, उसके आगे क्या था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट यानी ग्रैंड पेरेंट्स था ना, डियर ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखो हम ग्लाइकोलिसिस अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया, ग्लूकोज से हमने क्या बनाया, पाइरूविक एसिड बनाया, ग्लूकोज से हमने बनाया पाइरूविक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज से जब हम पाइरूविक एसिड बनाते हैं कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में, तो पाइरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि पाइरूविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं पाइरूविक एसिड के, हम सिर्फ 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लिंक रिएक्शन में याद रखने लायक बात क्या है कि हमने पाइरूविक एसिड से क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया। लिंक रिएक्शन की मैं हिट पॉइंट बता रहा हूं, टारगेट पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनेंगे, लिंक रिएक्शन में क्या बना, पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ठीक है। हम सिर्फ 1 मॉलिक्यूल की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में बना, मैग्नीशियम Mg+2 की प्रेजेंस में बना, ठीक है। और क्या यहां पे याद रखने लायक बात है कि पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनता है कहां पे, लिंक रिएक्शन में,
तो एक सीओ टू का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, एक सीओ टू के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, हम एक पाइरुविक एसिड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और क्या है याद रखने लायक बात कि पाइरुविक एसिड से जब हमने एसिटाइल को एंजाइम ए बनाया कहां पे, लिंक रिएक्शन में, तो एक सीओ टू निकली और क्या निकला, NADHH+, NADHH+ ये एक निकला, एक NADHH+ निकला, ठीक है। अब हमने बात की थी यहां पे किसकी बात की, एक मॉलिक्यूल की, और दो मॉलिक्यूल है ना, बनते कितने हैं, दो मॉलिक्यूल बनते हैं पाइरुविक एसिड के, तो दो मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होगा, दो बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, दो मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज होंगे, और दो बनेंगे क्या, NADHH+, दो बनेंगे NADHH+, ठीक है। तो नेट गेन अगर ETS के थ्रू लगाएं तो लिंक रिएक्शन से नेट गेन अगर दो NADHH+ बनेंगे तो नेट गेन कितना हो सकता है, 6 ATP का, क्योंकि एक में कितने होते हैं, एक NADH में कितने होते हैं, 3 ATP हमें मिल सकते हैं, ठीक है। और अब एंजाइम की आप याद करो, मैंने एंजाइम का क्या बताया था कि जहां भी NADHH+ है, NADHH+ या FADH2 कहीं भी आ जाए, उसके जो एंजाइम में जो वर्ड आएगा वो डीहाइड्रोजिनेस पक्का आएगा, जहां भी NADHH+ या FADH2 दिख जाए वहां पे डीहाइड्रोजिनेस पक्का आएगा, डीहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, देखो पाइरुविक एसिड है तो पाइरुवेट, और क्या है, डीहाइड्रोजिनेस, पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेस, इतनी बातें से क्लियर है अपनी, लिंक रिएक्शन क्लियर है। अब कहां चलते, अब इस एसिटाइल को एंजाइम की क्या करनी है, चक्रियां घुमानी है, कहां पे, क्रेब साइकिल में। अब हम चलते हैं कहां पे, अपनी क्रेब साइकिल पे चलते हैं, ये अपनी क्रेब साइकिल है, इसको बोलो आप सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो अगर किसी सिटी में यानी शहर में अगर मिलिट्री ऑपरेशन होना है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर किसी शहर में मिलिट्री ऑपरेशन होना है तो उस सिटी को शांत कर दिया जाता है ना, उसमें अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि भाई लोगों को बता दिया जाएगा ना कि कोई भी बाहर मत निकला, बिल्कुल चुपचाप रहना, बिल्कुल साइलेंट तरीके से रहना, क्योंकि शहर में सिटी में क्या होने वाला है, मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है, तो पूरे शहर को, पूरी सिटी को क्या कर दिया जाएगा, साइलेंट कर दिया जाएगा, किसके लिए, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। तो सिंपल सी ट्रिक है, देखो ए सिटी इज कैप्ट साइलेंट, ठीक है, ए सिटी इज कैप्ट साइलेंट, मतलब एक सिटी को साइलेंट कर दिया गया फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, किसके लिए, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ए सिटी इज कैप्ट साइलेंट, एक सिटी को साइलेंट रखा गया फॉर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ए सिटी इज कैप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। ए से एसिटाइल को एंजाइम ए जो हमने कहां बनाया था, लिंक रिएक्शन में बनाया था, अब ये साइकिल में ऐसे एंट्री कर गया, ए से एसिटाइल को एंजाइम ए, सिटी से क्या आया, साइट्रेट, इज से क्या आया, आइसोसाइट्रेट, कैप्ट से हमें याद आएगा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, साइलेंट से आया सक्सिनेट, फोर से आया फ्यूमारेट, मिलिट्री से आया मेलेट, और ऑपरेशन ओ फॉर ऑपरेशन, ओ से आया ऑक्सैलो एसिटेट। हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ए से आया एसिटाइल को एंजाइम ए, सिटी से आया साइट्रेट, इज से आया आइसोसाइट्रेट, कैप्ट से आया कीटोग्लूटारेट, साइलेंट से आया सक्सिनेट, फोर से आया फ्यूमारेट, मिलिट्री से आया मेलेट, और ऑपरेशन से आया ऑक्सैलो एसिटेट। बिल्कुल इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे एनर्जी का लेन देन कहां पे हो रहा है, एनर्जी का लेन देन देखो, आइसोसाइट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट के बीच में क्या बना, एक NADHH+ बना, एक NADHH+ बना, ठीक है। इससे नेक्स्ट है अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनेट, इनके बीच में एक NADHH+ बना, और एक क्या बना, GTP बिल्कुल ही ATP के इक्वल होता है, ATP के इक्वल मान के चलो, ठीक है। और कहां है NAD, देखो फ्यूमारेट, F4 फ्यूमारेट, F4 FADH2, F4 FADH2, तो यहां पे क्या बना, एक FADH2 का मॉलिक्यूल बना। और एनर्जी कहां है, यहां पे मेलेट और ऑक्सैलो एसिटेट के बीच है, कहां, NADHH+ बना, यहां पे क्या बना, NADHH+, ठीक है। अब देखो मेरी एक बात याद करो कि हमने एसिटाइल को एंजाइम कितने बनाए थे, एसिटाइल को एंजाइम दो बनाए थे, है ना, हमारे पास दो पाइरुविक एसिड बने थे और दो ही क्या बने थे, एसिटाइल को एंजाइम ए, है ना, मतलब ये जो साइकिल है ये कितनी बार, दो बार घूमेगी, ठीक है, ये जो साइकिल है ये दो बार घूमेगी, ठीक है। तो हमने बात की यहां पे एक NADHH+ बना, यहां पे भी एक बना, यहां पे भी एक बना, तो एक साइकिल में कितने बन रहे हैं NADHH+, 1 2 3, है ना, तो दो साइकिल में कितने बनेंगे, 6 बन जाएंगे। और FADH2 की बात करें तो एक साइकिल में कितना बना, एक बना, तो दो साइकिल में कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। टेंशन मत लो, ये जो बैलेंस शीट है ना, ये ATP NADH2 वाली, हम बाद में भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और
जीटीपी यानी एटीपी, इसको एटीपी भी बोल सकते हो, एटीपी की डायरेक्ट एटीपी की बात करें तो एक साइकिल में कितना बना, एक बना, और दो साइकिल में कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब यहां पे एक और ध्यान रखने लायक बात है कि दो स्टेप में, यहां पे दो स्टेप में क्या है, CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं ना, CO2 भी रिलीज हो रही है दो बार। ठीक है, तो एक साइकिल में अगर दो CO2 रिलीज हो रही है तो दो साइकिल में कितनी होंगी, चार CO2 रिलीज होंगी, चार CO2। ठीक है, हमने लिंक रिएक्शन में बात की थी, है ना, यहां पे भी हमने दो बार किया था ना, ये दो पाइरुविक एसिड तो दो बार, यहां पे भी दो CO2 रिलीज हो रही थी, और यहां पे कितनी है टोटल, दो साइकिल घूमेंगी तो चार CO2, है ना, तो चार यहां पे, दो यहां पे, टोटल सिक्स CO2 रिलीज होती है। बिल्कुल क्लियर है, एनर्जी की टेंशन मतलब ये एनर्जी वाला हम कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एंजाइम कैसे यूज होगा। देखो एंजाइम बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला था, NADH और FADH2, NADH और FADH2 जहां भी नजर आ जाए क्या घुसा दो, डीहाइड्रोजिनेज घुसा दो। देखो जैसे ये एनर्जी वाला स्टेप है तो इसमें एनर्जी NADH दिखते ही क्या, डीहाइड्रोजिनेज, और डीहाइड्रोजिनेज कौन सा, आइसोसाइट्रेट, है ना, सिंपल हो जाएगा एंजाइम, आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ये भी एनर्जी वाला स्टेप है तो फिर से डीहाइड्रोजिनेज घुसा दो कि कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये फिर से एनर्जी वाला FADH2 वाला तो इसका डीहाइड्रोजिनेज घुसा दो कि सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, ये फिर से एनर्जी वाला है इसमें क्या घुसा दो, डीहाइड्रोजिनेज घुसा दो, है ना, कैसे, मलेट डीहाइड्रोजिनेज। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, मलेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक, अब बात करते हैं जो बिना एनर्जी के स्टेप है उनमें क्या करें। देखो सिंपल सी बात है, जैसे इसमें क्या है, ये साइट्रेट की सिंथेसिस हो रही है, एसिटाइल को एंजाइम ए से साइट्रेट की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, तो साइट्रेट सिंथेस कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ही सिंपल बातें करेंगे। ठीक है, जैसे फ्यूमारेट से मैलेट बन रहा है, फ्यूमारेट से मैलेट बन रहा है, तो यहां पे एनर्जी नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे, देखो फ्यूमारेट से ये कन्वर्ट हो रहा है, मतलब फ्यूमारेट का कन्वर्जन हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, फ्यूमारेज, है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस पे इनको हम याद कर सकते हैं। तो क्रैब साइकिल अपनी क्लियर है, क्रैब साइकिल अपनी क्लियर है। ठीक है, अब हम कहां चलेंगे, अब हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, अपनी ईटीसी की तरफ। क्योंकि क्यों चलेंगे, क्योंकि हमने जो NADH लिंक रिएक्शन में भी हमने NADH प्लस बनाए, NADH H प्लस यहां पे भी बनाए। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में भी हमने NADH H प्लस बनाए थे, FADH2 बनाया, है ना, हमने बात की थी ना, ये एक तरीके से चेक है, ये अपने पास कैश नहीं है, कैश अपने पास क्या होता है, डायरेक्ट जो एटीपी बनी वो अपने पास कैश होता है, ये अपने पास चेक अमाउंट है। तो इन चेक को कैश करवाने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, ETS, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना पड़ेगा इनको कैश करवाने के लिए, है ना, इनसे अपने को एटीपी एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनको हम कैसे कैश करवाएंगे, इनसे हम कैसे एनर्जी निकलवाएंगे। अब देखो बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कितने एटीपी, कितने NADH2, कितने FADH2 ये सब फॉर्म हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम देखो एरोबिक कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, अन एरोबिक का तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। ठीक, हमें ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि दो एटीपी का इसमें क्या हुआ, खर्च हुआ, यूज हुआ, और फॉर्म डायरेक्ट फॉर्म कितने एटीपी हुए थे, चार एटीपी डायरेक्ट फॉर्म हुए थे, है ना, और अपने पास दो क्या फॉर्म हुए थे, दो फॉर्म हुए थे NADH H प्लस, दो फॉर्म हुए थे। ठीक है, अब नेट एटीपी की अगर बात करें, देखो माइनस दो प्लस दो मतलब यहां से नेट गेन होगा, डायरेक्ट एटीपी वाला सिर्फ दो एटीपी का गेन हो रहा है ना, और ये दो अगर हम ETS लगाएं, हम एरोबिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसको बैंक में, इस चेक को बैंक में भेज देंगे तो अपने पास कितना होगा, सिक्स एटीपी। देखो एक NADH H प्लस से बनते हैं तीन, और दो से बन जाएंगे सिक्स बन जाएंगे, और यहां नेट होगा कितने का, दो का गेन होगा, तो नेट कितने बन गए, आठ एटीपी अपने पास बन गए। ठीक है, अब बात करें इसके बाद अगर लिंक रिएक्शन की, तो लिंक रिएक्शन में हमें डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या याद रखना है, हमारे पास क्या बने थे, दो NADH H प्लस बने थे, दो NADH H प्लस बने थे, तो एक NADH वाले से कितना क्या गेन होता है, तीन एटीपी का गेन होता है, तो दो से कितना होगा, डायरेक्ट सिक्स एटीपी का गेन हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यूज करके। ठीक है, अब बात करें अगर क्रैब साइकिल की तो क्रैब साइकिल में दो साइकिल हमने घुमाई थी, याद करो दो साइकिल, तो क्रैब साइकिल में क्या है, छह तो क्या बनेंगे, सिक्स बनेंगे, NADH H+ बनेंगे सिक्स, और FADH2 कितने बनेंगे, दो बनेंगे,
एफ ए डी एच टू, दो बनेंगे एफ ए डी एच टू, ठीक है। और डायरेक्ट ए टी पी या जी टी पी जो बन रहे थे, डायरेक्ट वाले बन रहे थे, डायरेक्ट कितने बनेंगे, दो ए टी पी अपने पास ये प्लस डायरेक्ट बनेंगे, है हाँ ना, ये प्लस मतलब फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, सिक्स एन ए डी एच एच प्लस है तो कितने ए टी पी बना देंगे, सिक्स इंटू थ्री कर दो कितने हो जाएंगे 18, तो इससे हो जाएंगे। और एक एफ ए डी एच टू देता है दो ए टी पी तो दो कितने देंगे 4, इससे हो जाएंगे। और डायरेक्ट दो हैं अपने पास तो नेट कितने होंगे 18 प्लस 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो 24 ये हैं, 6 ये हैं, 8 ये हैं, तो कितने हो गए टोटल अपने पास एरोबिक कंडीशन में, ये अपने पास 38 एटीपी हो गए, 38 एटीपी, ठीक है। एक और बात मैं आपको यहीं पे याद दिला दूं, एक और बात कि लिंक रिएक्शन की हम जब बात कर रहे थे अपने पास कितने दो CO2 के मॉलिक्यूल निकले थे, दो CO2 के। और क्रेब्स साइकिल की बात करें तो अपने पास 4 CO2, 4 CO2 के मॉलिक्यूल निकले थे, टोटल कितने हैं 6 CO2, टोटल 6 CO2 के मॉलिक्यूल यहां निकलने, बिल्कुल इतनी बातों से क्लियर रहना। अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। देखो पहले बिल्कुल सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, क्यों है, क्या है, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा याद करने वाली चीजों के बारे में, ठीक है। पहले बेसिकली समझ लेते हैं, देखो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास मान लो एक सेल है, ठीक है। और सेल के अंदर हमारे पास क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। मैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये आउटर मेंबर ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ करने जा रहा हूं जिसमें इनफोल्डिंग्स यानी क्रिस्टा बनी होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, देखो ये हमारे पास सेल थी और ये माइटोकॉन्ड्रिया, और बाहर जो स्पेस बचेगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपना साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोल देंगे, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोल देंगे। ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोल देंगे इंटर, इंटर यानी दो के बीच को, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या प्रोसेस की थी, क्या क्या प्रोसेस की थी। सबसे पहले हमने क्या की थी, हमने ग्लाइकोलिसिस की थी, ग्लाइकोलिसिस कहां पे हुई थी, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, है ना। फिर हमने क्या की थी, देखो एक और चीज यहां पे है कि ये जो बीच में इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस बचा ये क्या है, ये बीच में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमने क्या की थी, लिंक रिएक्शन की थी, लिंक रिएक्शन जो कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी। और लिंक रिएक्शन के बाद हमने क्या की थी, क्रेब साइकिल की थी जो कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोलिसिस में भी हमने एनर्जी बनाई थी, लिंक रिएक्शन में भी हमने एनर्जी बनाई, क्रेब साइकिल की में भी हमने क्या बनाई, एनर्जी बनाई, है ना। तो हमने एनर्जी कितने टाइप की बनी हमारे पास, देखो जो डायरेक्ट एटीपी बन गई वो तो अपने पास क्या है, कैश है ना, कैश है, हम इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। बट हमारे पास दिक्कत क्या आई थी कि जो हमारे पास ये वाली एनर्जी बनी थी NADHH प्लस या मैं बोल लूं FADH2, ये वाली जो एनर्जी बनी थी हमारे पास, ये क्या थी, अपने पास चेक के फॉर्म में थी, चेक के फॉर्म में, है ना। और इस चेक को कैश करवाने के लिए, है ना, इस चेक को कैश करवाने के लिए हमें कहां जाना पड़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां ग्लाइकोलिसिस में भी हमने क्या बनाए, NADHH प्लस बनाए, लिंक रिएक्शन में भी बनाए, क्रेब साइकिल में भी बनाए, है ना। तो अब क्या करना है, इनको कैश करवाना है। तो यहां हमारे पास जो NADHH प्लस बने वो भी कहां आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गए। और इनसे भी हमारे पास क्या बने, NADHH प्लस, FADH2, ये सब हमारे पास अब यहां पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, है ना, ये सब, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, कैश करवाना है। तो इसको कैश करवाने के लिए सिस्टम क्या होता है, देखो ये हमारे पास क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन में क्या लगे होते हैं, कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं, कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, क्या लगे होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ऐसे ऐसे। और वो क्या होते हैं, मैं इसे इसके बाद पहले समझ लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। और क्या लगे होते हैं, कॉम्प्लेक्स के साथ क्या लगा होता है, एटीपी सिंथेज लगा होता है। और क्या लगा होता है, कॉम्प्लेक्स के साथ एटीपी सिंथेज लगा होता है, ये
हमारा एटीपी सिंथेस है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्या लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, और क्या लगा हुआ है, एटीपी सिंथेज लगा हुआ है। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर बातें करते हैं, बिल्कुल ही क्लियर बातें करते हैं। हमारे पास अंदर मान लो ये पड़ा है एक, हम एक की बात कर रहे हैं, एक से अपने को सारा समझ में आएगा। ये हमारे पास क्या पड़ा है, NADHH+, ये एक पड़ा है, ये एक पड़ा है। ठीक है, अब होगा क्या, ये इसको एनर्जी में कन्वर्ट होना है, इसको कहां कन्वर्ट होना है, एटीपी में कन्वर्ट होना है, और कन्वर्ट कौन करेगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको कन्वर्ट करेगा। और कैसे करेगा, देखो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये कॉम्प्लेक्स वन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना, ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और क्या ट्रांसफर करेगा, H+ ट्रांसफर करेगा, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन और H+ देके खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में, NAD+ में, और ये NAD+ कहां चला जाएगा, दोबारा से ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल, है ना, क्योंकि और भी तो बनने हैं ना, दोबारा से ये बन बन के आएंगे, ये बन बन के दोबारा आएंगे, इसी से तो बनेंगे, सिंपल सी इतनी बात है ना। तो बेसिक बात यहां याद करने की क्या है कि एक NADH+ है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसने कॉम्प्लेक्स 1 को दे दिया, और ये जो H+ इसने दिया ये कहां निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कहां, इसमें इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में निकल जाएगा, ये H+ निकल गया, ये H+ इसमें निकल जाएंगे, बिल्कुल क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास है, देखो नाम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये चेन बन रही है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता जाएगा, और फाइनली फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, O2 ऑक्सीजन, इस इलेक्ट्रॉन ये ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट चेन में से चलेगा, और फाइनली इसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है ATS में, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को और H+ का यूज करके क्या बना देगी, H2O यानी वाटर बना देगी, वाटर बना देगी। ठीक है, अब यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोलने जा रहा हूं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोलने जा रहा हूं। देखो हमने क्या बात की, NADH+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके H+ को कहां निकाल रहा है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में निकाल रहा है, H+ को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में निकाल रहा है। ठीक है, अब मैं एक NADH+ की अगर बात करूं तो ये तीन जगह पे 2H+ को निकालेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, एक NADH+ क्या करेगा, तीन जगह पे 2H+ को, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इधर हो रहा है तो तीन जगह पे, मान लो पहली जगह पे यहां निकाल दिया 2H+ को, दूसरी जगह पे यहां निकाल दिया 2H+ को, तीसरी जगह पे यहां निकाल दिया, है ना। मैं क्या बात कर रहा हूं कि तीन जगह पे, एक जगह, दो जगह, तीन जगह पे इसने क्या किया, 2H+ निकाल ले। ठीक है, अब क्या होगा, ये H+ जो है ये ATP सिंथेज यानी बुलंद दरवाजे से यहां जाएंगे, है ना, बुलंद दरवाजे से ऐसे जाएंगे, और ATP सिंथेज नाम में आ रहा है, ATP सिंथेज मतलब ये ATP की सिंथेसिस करेगा। तो 2H+ के जाने पे क्या बनेगा, एक ATP बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि 2H+ के ATP सिंथेज यानी बुलंद दरवाजे में से निकलने पे हमारे पास 8 ATP बन रहा है। ठीक है, और अपने पास टोटल कितने थे, है ना, एक था, दो था, तीन था, तो 2H+ से 1 ATP, इस 2H+ से भी 1 ATP, इस 2H+ से भी 1 ATP। अब याद करो हमने बात की थी कि एक NADHH+ से टोटल कितने मिलते हैं, 3 ATP मिलते हैं। तीन क्यों मिले, क्योंकि तीन जगह पे एक 2H+ से कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो तीन जगह पे हुई तो ये अपने पास 3 ATP बन जाएंगे, है ना। और ठीक ऐसे ही FADH2 का याद रखना कि FADH2 में क्या है, इधर सिंपली 2 कर दो, इसे सिंपली क्या कर दो, 2 कर दो, तो कितने बन जाएंगे, एक FADH2 से कितने मिलेंगे, 2 ATP मिलते हैं। FADH2 से कितने मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं। इतनी बातें अपनी समझने की थी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब आता है याद करने वाला पोर्शन। देखो इसमें जो याद करने वाला पोर्शन है उसकी कभी भी ट्रिक मत बनाना, उसकी ट्रिक बना ली तो बहुत गलती हो जाएगी, एग्जाम में वो याद नहीं होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, पूरा खिचड़ी बन जाएगी, उसकी ट्रिक्स मत बनाना, है ना। मैं आपको एक बना बनाया पेज अभी आपको आपकी स्क्रीन पे आएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसका वैसे के वैसे याद रखना है। ठीक है, इस पेज को ऐसे का ऐसे याद रख लेना, इसकी ट्रिक्स मत बनाना। मैं फिर से बोल रहा हूं, याद करने वाला पोर्शन है, याद ही करना पड़ेगा, ट्रिक्स नहीं बनानी है। ठीक है,
अब ये है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का याद करने वाला पार्ट, ठीक है। तो पहला काम तो यही करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा लॉजिक बता देता हूं। देखो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो रहा है और फाइनली इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, आगे ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन हमें क्यों ट्रांसफर करना था, हमें दो चीजें से, दो वजह से करना था। या तो हम क्या करना चाहते थे, NADH H+ वाली एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना चाहते थे, ATP में, है ना। तो एक तो या तो इलेक्ट्रॉन NADH H+ देगा या कौन देगा, या FADH2 को हम कन्वर्ट करना चाहते थे ATP में, या FADH2 देगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, NADH डीहाइड्रोजिनेज और इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से होते हैं, FMN FES, और कॉम्प्लेक्स 2 में इतना याद रखना कि ये FADH2 के लिए होता है, ठीक है। अब देखो NADH H+ वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यूबीक्विनोन के पास, यूबीक्विनोन के पास, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 2 यानी FADH2 वाले इलेक्ट्रॉन भी किसके पास जाएंगे, यूबीक्विनोन के पास, है ना। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन भी किसके पास जा रहे हैं, यूबीक्विनोन, और कॉम्प्लेक्स 2 के भी किसके पास, यूबीक्विनोन के पास जा रहे हैं, है ना। क्योंकि दो टाइप की हमारे पास क्या है, दो टाइप के चेक थे हमारे पास, जो एनर्जी जिसमें छुपी हुई थी, ठीक है। अब यूबीक्विनोन के पास, अब फिर से आगे बिल्कुल कॉमन चीजें होंगी, है ना, इसके लिए भी कॉमन चीजें होगी कि यूबीक्विनोन के बाद किस में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 के बाद कहां जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स 4 के बाद कहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, और फिर क्या अपना वो एटीपी सिंथेस वाला जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से होते हैं, साइटोक्रोम बी, एफईएस आयरन ए सल्फर, यूबीक्विनोन, साइटोक्रोम C1, और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। तो ये बेसिक सा थोड़ा फंडा था, ठीक है। अब देखो अपना एरोबिक वाला पूरा खत्म हो चुका है, अब हम करते हैं अन एरोबिक वाला, यानी फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन हमने बात की थी कि अन एरोबिक कंडीशन में या एरोबिक कंडीशन में पाइरूविक एसिड तक यानी ग्लाइकोलिसिस तक दोनों में सेम चलेगा ना, ग्लाइकोलिसिस अन एरोबिक कंडीशन में भी होगी। और ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया था, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था दो मॉलिक्यूल किसके, पाइरूविक एसिड में, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास क्या है, दो डायरेक्ट एटीपी का गेन हुआ था और दो NADH H+ का गेन हुआ था, ठीक है। अब फर्मेंटेशन में हमने बात की थी या तो अल्कोहल वाली फर्मेंटेशन होगी या लैक्टिक एसिड वाली, है ना। सिंपल सी बात है, दो पाइरूविक एसिड बने थे अपने पास, सिंपल है। पाइरूविक एसिड अगर इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल यानी इथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और पाइरूविक एसिड अगर लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे हम, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। देखो चाहे इथेनॉल बने चाहे लैक्टिक एसिड बने, किसका खर्च होगा, किसका खर्च होगा, माइनस मतलब इनका यूज होगा, खर्च होगा, दो NADH H+, है ना, एक पाइरूविक एसिड के लिए एक NADH H+ और दो मॉलिक्यूल है तो दो NADH H+, इधर भी सेम दो NADH H+ का यूज होगा, खर्च होगा। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी का देखें तो हमने ग्लाइकोलिसिस में कितने बनाए थे, दो NADH H+ बनाए थे, दो बनाए थे, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, है ना, दो बनाए दो खर्च हो गए, दो बनाए दो खर्च हो गए, कोई भी स्टेप ले लो दोनों में खर्च हो रहे हैं, मतलब नेट गेन एनएरोबिक कंडीशन में या फर्मेंटेशन में कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ दो एटीपी का होगा ना, ये बने थे ये अपने खर्च हो गए, है ना, बिना बात पे खर्च हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पे एंजाइम की बात करें तो एंजाइम मैंने क्या बोला था, जहां भी NADH का लेना, NADH H+ इसका लेना देना आ जाए तो कहा क्या घुसा दो उसमें, एंजाइम के नाम में क्या घुसा दो, डीहाइड्रोजिनेज घुसा दो, डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब देखो यहां पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है और इसका लेना देना है ना, मतलब डीहाइड्रोजिनेस तो पक्का आएगा, और क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस, इसका एंजाइम क्या हो जाएगा, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस, और इसका इस प्रोसेस का एंजाइम क्या होगा, देखो डीहाइड्रोजिनेस तो पक्का है ना, मतलब और बन क्या रहा है अपने पास, अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, तो पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड से क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मतलब पाइरूविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। अब एक टर्म आती है रेस्पिरेटरी कोशेंट, रेस्पिरेटरी कोशेंट यानी RQ, ये सिंपली क्या होती है, देखो बहुत सिंपल है, इसका मतलब क्या है, सिंपली ये क्या है, एक रेशियो है कि CO2 रिलीज्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है, कितनी CO2 रिलीज की अपॉन O2 ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये एक रेशियो है, रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है, CO2 अपॉन O2 है, सिंपल इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दी है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए दी हुई है, फैट के लिए दी हुई है, अपनी NCERT में प्रोटीन के लिए दी हुई है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए इसकी वैल्यू क्या
दी हुई है, वन दी हुई है, और फैट के लिए लिखा हुआ है क्या, लेस देन वन, और प्रोटीन के लिए लिखा हुआ है 0.9। ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, CO2 रिलीज्ड अपॉन O2 कंज्यूम्ड, CO2 और O2 का एक तरीके से क्या है, रेशियो है। अब देखो एक ये टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। देखो हमने क्या क्या यूज़ किया था, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना, हम क्या क्या यूज़ कर सकते थे, हमने पार्ट वन में भी बात की थी, कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर सकते हैं, फैट्स यूज़ करते हैं, प्रोटीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का तो ऑलरेडी हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस करेंगे, और ग्लाइकोलिसिस हमने ये की, ग्लाइकोलिसिस की और ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट से हमें क्या मिला, पाइरूविक एसिड मिला, और पाइरूविक एसिड से हमने बनाया एसिटाइल को एंजाइम ए, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे यहां पे, लिंक रिएक्शन बोलेंगे। फिर एसिटाइल को एंजाइम से हमने चक्रियां घुमाई थी किसमें, क्रेब साइकिल में, तो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आपको याद क्या रखना है, देखो प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स किसमें टूटेंगे, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड डायरेक्ट कहां एंट्री मारते हैं, पाइरूविक एसिड में। देखो सिंपल है, याद रखने का तरीका बताता हूं, P4 प्रोटीन P4 पाइरूविक एसिड डायरेक्ट एंट्री मारी, और फैट की बात करें तो फैट किसमें टूटेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब जो फैटी एसिड हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू एंट्री मारेंगे और आगे बिल्कुल सारा सिस्टम सेम चलेगा, ठीक है। और जो ग्लिसरॉल है वो कहां, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के थ्रू एंट्री मारेंगे।